जय 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 गिरिजा सुमन, जय गणपति महाराज। प्रथम वंदना आपकी राखूं सभा में लाग, सागर सम संसार में अब नाव फंसी मझधार, पकड़ बाह मुही उभार लीजे, अब जय हो मदन मुरार। विनती हमारी माँ सुन लो पुकारी माँ, अरे स्वर दो संवारी माता है सरस्वती, तुम्ही बीड़ा वाली तुम्ही दुर्गा काली, तुम्ही शक्तिशाली हो माता ये सरस्वती, ज्ञान को लुटाती हंस वाहिनी कहाती हो, बीड़ा को बजाती हो माता ये सरस्वती। बैठ शारद कंठ पे मां कर सेवक का काम, जो भी श्रोता जन यहां भाई सबको मेरा प्रणाम। अच्छा बाबूजी, इस पावन भूमि पर आए हुए दुनिया सिंह के पुरवा की पावन भूमि पर उपस्थित आप क्षेत्र से सम्मानित पिता के समान बुजुर्ग, हम उम्र नौजवान साथी, साथ में छोटे छोटे बच्चे माताएं एवं बहने, सबके पांव छू के प्रणाम करते ही आशीर्वाद के चाहबा। क्या बात, जैसा कि हमारी ये संस्कृति है बाबूजी, अपने रीतो रिवाज के अनुसार हम किसी भी शुभ कार्य करने से पहले, ये हर मानव जाति का धर्म होता है, अपने इष्ट देव की वंदना आराधना से शुरुआत हो। जैसे बल की इच्छा रखने वाले बिजथुवन बाबा महावीर हनुमान जी की वंदना आराधना कर रहे थे, स्वर के चाहे वाले संगीत प्रेमी भाई माई बीड़ावादिनी सरस्वती की आराधना वंदना करे ले, सबके जैसे श्रद्धा बा विश्वास बा वही देवी देवता की आराधना वंदना करे ले बाबू जी। चोरोक तो वही देवी देवता है भैया, साव के जमन देवी देवता ने चोरवन के वो अलग थोड़ी भेजे बा, वही आई की गड़बड़ आएगी तो का करे, वहां से तो साव बने की भेजे रहे, माया मोह में फंस के सब भटक गए, कि साव बन गया कि चोर बन के लटक गए। चलिए तो माई की स्तुति वंदना उधर से भय, और जहां माई है वहीं बबुओं की जरूरत है। एक दूजे के दोनों पूरक हैं, माई के स्तुति वंदना वह हर सुबह, और बाबू के सतगुरु महाराज की वंदना यह हर सुबह। परम पिता कहना है, गीत है बाबू।
अरदास सतगुरु महाराज के दरबार में जाके वंदन करता है कि ऐ स्वामी आपकी महिमा अपार है। कहा गया कि परम पिता परमेश्वर से भी बड़ा स्थान सतगुरु का होता है। दास सतगुरु महाराज से वंदन करता है, गीत है बा मास्टर ऐसे भैया कि अरे काहे न अइला अब काहे न अइला हमार बलमू रात काहे न अइला भाव में भक्त सतगुरु महाराज के दरबार में वंदन करता है कि ऐ स्वामी अरे दास पे घुमावा यही दास पे घुमावा नजर स्वामी अपने दास पे घुमावा नजर स्वामी अपने दास पे घुमावा छोड़ छोड़ दे भूलल डहरिया बारहिया देखावा भूलल डहरिया बारहिया देखावा नजर स्वामी अपने दास पे घुमावा डहरिया बरहिया बतावा नजर स्वामी अपने दास पे घुमावा बिना गुरु भव से तरल नहीं कोई जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हम आप तो साधारण इंसान हैं बाबूजी साधारण मानो है ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु के पावन चरणों में नतमस्तक हुए वंदना किए उनकी पूजा किए बिना गुरु भव से तरल नहीं कोई भल ही ब्रह्मा विष्णु शिव जैसन हो जीवन मरण के ही बंधन छोड़ावा नजर स्वामी अपने दास पे घुमावा जीवन मरण के ही बंधन छुड़ावा इस आवागमन से कोई छुटकारा दिलाने वाला है कोई दूजा नहीं वो सतगुरु है। इस आवागमन से मुक्ति पाना है तो सच्चे दरबार सतगुरु को अपनाना होगा। दुनिया में सतगुरु के कीर्ति महान हो महिमा महान गावत वेद यौ पुराण हो महिमा महान गावत वेद यौ पुराण
धन है सतगुरु महाराज जैसा कि समाज के सम्मानित बिरादरी के गौरव घर मालिक महोदय आप गुरुमुख होकर आए बाबूजी, गुरुमुख होकर आए, दर्शन दीदार करके आए, प्रभु का आज भंडारे का आयोजन किए, अपना जीवन धन्य बनाए ही साथ में अपने पूर्वजों का भी तरंतार किए बाबूजी, बहुत बहुत भैया को प्रणाम हो। अगले बंद में कहना हुआ जैसा कि आज बड़े हर्ष का दिन है बाबूजी, हमारे क्षेत्र के शान सम्मान, गरीबों के मददगार आप बड़े भाई, सच्चे समाज सेवी, सदा सबके दुख सुख में शरीक होने वाले बड़े भाई लाल बहादुर यादव वार्ड नंबर 43 के विजयी प्रत्याशी बाबूजी, आप सब भाइयों का प्यार दुलार मिला, सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप सब बड़े भैया के सम्मान में, अपने भाई के बेटे के सम्मान में आप सब तालियों से सम्मान करें बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जिला पंचायत सदस्य जी के तरफ से सुंदर पुष्पहार से माला अर्पण हुआ, आपका प्यार दुलार मिला, 501 रुपया का उत्साह वर्धन किए, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद हो, जीवन का सफर खुशियों से भरा रहे सच्चे। अब आपके प्रचार गीत में यह दास का कुछ गीत बजी रही, आप सब बड़ा पसंद कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, विजयी हो गए, सेवक का भी सम्मान रह गया बाबूजी। कहना है जीते लाल बहादुर भैया, जीते लाल बहादुर भैया, बोली सगुन चिरैया देखें छोटी बच्ची प्रिंसी यादव बिलाही के भूमि से, ये बच्ची की तरफ से 51 रुपया, बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, सदा जीवन खुशियों में रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। साझे बोलई सबेरे बोलई, बोलई सारा दिन बोली सारा, करी है दीन दुखियन के भलैया, जैसा ही क्षेत्र का प्यार दुलार मिला है भैया को, पूर्ण विश्वास है कि सदा आप सबके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर भैया चलेंगे, ये पूर्ण भरोसा है बाबूजी। आप लोग भैया के व्यवहार से, उनके परिचय के
मोहताज नहीं है बाबू जी, जनगण में जिनकी चर्चा है, 43 के साम सम्मान आप लोगों की देन है बाबू जी। आज बड़े भाई लाल बहादुर यादव जी वार्ड नंबर 43 से विजयी हुए, आपका चुनाव निशान मछली, कितना शुभ निशान पाए भैया, निशान पोते हम करे हमरे मुहे से निकला जय हो भैया विजय हो, बड़ा शुभ निशान है आपका। करी है दीन दुखियन के भलैया, करी है दीन दुखियन के भलैया, बोली सगुना चिरैया। सतगुरु स्वामी हउए मुक्ति के मूल हो, बड़े भाग मिलती चरणियाँ के धूल हो। जीवन मरण के छोड़ावा नजर स्वामी अपने दास पे घुमावा। बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु महाराज की वंदना हो गई आप सब भक्त जनों के बीच में, पुनः सबका स्वागत वंदन है। समय को देखते हुए दो एक लाइन के कोनो धुन तराना लेला मास्टर, बड़ा सुघर सुघर लाइन घर से सुना आप। हाँ बड़ी सुघर लाइन बजावत हैं क्या, कि तेरे पायल की झनकार, तेरे पायल की झनकार पे है नजर, तेरे पायल की झनकार। ही पावन पुरस्कार श्रीमान समाज के सम्मानित आप हमारे नवारासी सीताराम यादव जी लुटिया के भूमि से 101 रुपया के पावन पुरस्कार, बहुत बहुत नमन वंदन बा समस्त भैया लोगन के, जय सीताराम राधे राधे। तेरा दिल किसका घर है, तेरा दिल किसका घर है ए मुझे ना खबर, तेरे पायल की झनकार पे है नजर। बड़े भाई आप श्रीमान बड़ा ही पावन प्यार दुलार आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमारे समाज के शान सम्मान सच्चे समाज सेवी बाबू जी बड़े भैया श्रीमान सुबेदार यादव जी कंदपुर की भूमि से 101 रुपया का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत बहुत चरणों में आपके प्रणाम वंदन नमन हो, समस्त भाई लोगन के प्रणाम बा। जय हो जय हो जय।
गीत के पहले कोनो हमारे हारमोनियम मास्टर एक धुन तर जितनी बजा दिए का करी भैया। जब बगल वाली पार्टी से कुछ धुन तराना हो जात है तो आप सब सोचबा कि सीताराम कुल है भक्तिन भगवान है भगवान वाला विष्णु भगवान शंकर जी वाला झोरे यहाँ कुछ मनोरंजनो साथे साथे लैला आप सब धुन तराना सुनबे किया एक लाइन लेला मास्टर फिर उसके बाद हम तुरंत प्रसंग सुनाई गीत का। तनी बात के समझ ला एक दुल्हनी के पिया नई नबेली दुल्हन बा जब मायके के तैयारी के हिस भाई तो दुल्हा अंगना मुही खड़े खड़े हाथ जोड़ ले का भैया कहे से हमार आए है पो पो हाँ पोपी का भैया पोपो तो दुल्हनिया दुनिया कहे दुल्हा कहे का हमार पोपी एक हम नहीं कहते का भैया कह रहे यार कह रहे भैया। दुल्हा बोल पड़ा का कहे जब दुल्हन नहरे के तैयारी कहे इतने में दुल्हा बोल पड़ा कि तोहरा में बसल रानी हमारो परनवा हो परनवा हो रात दिन बाटई बस तोहरा आशीर्वाद समाज के सम्मानित आदरणीय आप श्रीमान बाबू राम दुलार यादव शंकरपुर के पावन भूमि से 101 रुपया का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम बा चरण में वंदन हो सब भाई लोगन के नमस्कार हो। देखा ये 4G के जमाना बा लोगन के हर हाथ में 4G के सिस्टम चालू बा एक दुल्हन के पिया एक बड़ी छोट समसंग पीस थमाई के चली गए बम्बई और दुल्हनिया के सखी सहेलर बगल के सब बढ़िया बढ़िया स्क्रीन टच चलावे एक दिन अपने दुल्हा के फोन लगाए हेलो
कैसन ठेकेदारी करबा, यही बदे कहे काम धाम तेजी पकड़ेबा। हमका ई छोटका ई पीस थमाई के चल गया, हमार जोड़ी समहौरी सब अंगुली खसकाई देती, यहाँ काम हो जात बा। हम बटन टेप टेप हैरान है, डाढ़ा लगे तोहरे कमाई पे। सुन ला ए पोपी के पापा, का कहेगी दुल्हनिया कि भेजी दाम, अरे भेजी दाम फोर जी के मोबाइल तत्काल राजा जी, भेजी दाम फोर जी के मोबाइल ये देखे आप बड़े भाई श्री पंकज यादव चार पारा के भूमि से 51 रुपया के पुरस्कार भैया के नमस्कार पहुंचे। भेजदा फोरज के मोबाइल तत्काल राजा जी, भेजदा फोरज के मोबाइल तत्काल राजा जी, मनवा करे मनवा करे मनवा करे बाती आईती वीडियो कॉल राजा जी, मनवा करे बाती वीडियो कॉल आ जाए बाबू जी। धीरे धीरे एकदम प्रसाद की तैयारी भी हो गई है, समय का अभाव है इसलिए आ जाए गीत पर बाबू जी। जिस उपलक्ष्य में आ जाना हुआ है अभी अभी प्रियंका जी के द्वारा आप सब गया धाम की उत्पत्ति सुने, जिस स्थान पर हमारे पूर्वज भैया बाबू लोग जाके अपने पुरखों का तरंतार करते हैं, पिंडदान करते हैं, गया धाम की उत्पत्ति सुन ले है। अब यहर से जगन्नाथ महाराज की उत्पत्ति सुना कि जगन्नाथपुरी में जाके हमारे बाबू भैया लोग वहां से चावल लेके भात लेके आवतन भंडारा में जौन प्रसाद पूरे समाज में वितरण हो थे बाबू जी। जगन्नाथपुरी की रचना गौर करेंगे। चलो मास्टर गीत है बा कि अरे झूलनी पे उड़ली जहाजिया उड़ाई दाम, यही झूलनी पे उड़ली अरे जहाजिया उड़ाई दाम, हमार पाऊ जे बरा जहीरा जड़ाई दाम, खुशी की बात है कि आज हमारे आपके बीच में लहर म्यूजिक के प्रबंधक अजय यादव जी भैया के माध्यम से दोनों पार्टी का गीत आप यूट्यूब के माध्यम से सुन सकेंगे। आज का दृश्य, आज का ये समय सब दिन के लिए बाबू जी हो जाएगा कि लोग याद करेंगे। यूट्यूब पे नाम डाला तुरंत आई कि बाबू राम प्रगट जी खिया भंडारा रहा, ये दृश्य आप सबके देखे के मिले यूट्यूब के माध्यम से लहर म्यूजिक के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई के। गौर करेंगे गीत में कि अरे बेदमे विदित कथा जाने जानवा, अरे बेदमे विदित कथा जाने जानवा,
सुघर भैले बाबूपुरी के रचनवा बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें घर के आप महान सदस्य श्री आप श्याम सुंदर यादव भैया के पावन कर कमलों से 101 रुपया के सुंदर प्यार भरा पुरस्कार। बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। जीवन का सफर खुशियों में हो, घर परिवार मालिक खुशहाल रखें, यही स्वामी जगन्नाथ महाराज से शुभकामना प्रार्थना है। और सबके हमार पांव छू के प्रणाम धन्यवाद पहुंचे। वेद में विदित कथा जाने जहनवा, सुघर भैले बाबूपुरी के रचनवा। गौर करेंगे लाइन पर, बात उस समय की है। बन बीचे सोए थे कुंवर कधाई, यदकुल शिरोमणि भगवान मुरलीधर कन्हैया। वन में बाबूजी एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं। इतने में व्याध बहेलिया आकर भगवान कन्हैया के ऊपर बाण चला दिया। जरा जरा व्याध आके दिया बाणवा चला, का नाम जरा व्याध था बाबूजी। जरा व्याध आया, वो बहेलिया पहुंचा वन में, भगवान मुरलीधर के ऊपर बाण छोड़ दिया। धन है मुरली वाले, आपकी माया महान है। अपने शरीर को त्याग दिए बाबूजी, प्राण को त्याग दिए। और उसी समय पांचों भाई पांडव मिलकर भगवान मुरलीधर कन्हैया की लाश को ले जाकर चिता पर लिटा दिए बाबूजी। कहना है अरे चिता सजा के लाश पांडो जलाए, चिता सजा के लाश पांडो जलाए, बची हुई अस्थि को सिंधु में बहाए, अरे उड़ीसा के राजा तब करे मन घुमनवा, सुघर भैले बाबूपुर के रचनवा। पांचों पांडव मिलकर के भगवान मुरलीधर कन्हैया की चिता को तैयार करके लाश लिटा दिए बाबूजी। अग्निदान किए, लाश जलने लगी धू धू करके। और जब शरीर का कुछ अंग
आधी शरीर जलने से बच गई, तो पांचों भाई मिलकर सिंधु नदी में लाश को प्रवाह कर दिए बाबूजी, और लाश बहते बहते जाके उड़ीसा पहुंच गई। उड़ीसा के महाराज की निगाह जब पड़ी तो विचार करे लगे, करे तो भगवान कन्हैया की लाश बह के आ रही है। प्रणाम किए महाराज, और प्रणाम करके मन में विचार बना लिए कि हम भगवान कन्हैया श्याम सुभद्रा तीनों की मूर्ति की स्थापना करेंगे, सिंधु के किनारे मंदिर बनवाएंगे। विचार कर लिए उड़ीसा के महाराज मन में, कहना है अरे छा बार मंदिर बनाए भूप ज्ञानी, जैसन मंदिर का निर्माण जारी करें महाराज, सिंधु की धारा इतनी तेज गति से आवे कि मंदिर के निर्माण होते सब ढही बह जाए। सिंधु नदी के किनारे जब महाराज विचार किए मन में कि हम मंदिर बनवाएंगे और श्याम सुभद्रा बलदाऊ तीनों की मूर्ति की स्थापना होगी, जैसन मंदिर के निर्माण हो वैसन धारा मारे और सब मंदिर ढह बह जाए। छह बार हो गया ऐसा होते हुए, छह बार बीत गया बाबूजी, सिंधु की धारा से मंदिर का कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। छह बार मंदिर बनाए भूप ज्ञानी, मंदिर गिरावे धारा सिंधु के तूफानी, हमारे धर्म के भाई ग्राम सभा के मालिक सच्चे समाज सेवी बाबूजी, गरीबों के मददकार, गरीबों के मददगार बड़े भाई आप भजन यादव बसुई के भूमि से ग्राम प्रधान जी की तरफ से 101 रुपया का पावन प्यार दुलार प्राप्त हुआ, भैया को नमन वंदन है। ऐसी ही समाज के प्रति श्रद्धा बनी रहे बाबूजी, समाज की सेवा आपके द्वारा होती रहे, जनता जनार्दन का प्यार दुलार आपको मिलता रहे, यही शुभकामना है भगवान से। भगवान भोलेनाथ को चिंता होने लगा कि उड़ीसा के महाराज इतना नेक विचार मन में लाए हैं कि श्याम बलदाऊ सुभद्रा की मूर्ति बनाई जाए, मंदिर का निर्माण हो, लेकिन सिंधु की तूफानी धारा के सामने मंदिर टिक नहीं पा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ युक्ति करना होगा। भगवान भोलेनाथ हनुमान जी को बुलाए, महाबली हनुमान सिंधु धारा को थाम दो, आगे धारा नहीं आनी चाहिए, चल के पहरा लगा दिए उनका। महाबली हनुमान जी खड़े हो गए सिंधु धारा के सामने कि आगे मत बढ़ना, कहना है अगली लाइन, अरे लेकर के गदा हनुमत पहरा लगवा ले, मंदिर में विश्वकर्मा मूर्ति सजा ले, श्रीमान कल्लू यादव जी महमूदपुर के भूमि से 101 रुपया का पावन पुरस्कार, भैया के नमस्कार हो, मालिक खुशहाल रखे भैया के। मंदिर में विश्वकर्मा मूर्ति सजावा, सर
जानवा सुघर भइले बाबू जी का सख्त पहरा लग गया। आगे बढ़ने नहीं देंगे हम, सिंधु धारा को आवाज दिए होशियार हो जाओ। महाबली हनुमान जी राम भक्त खड़े हैं, हनुमान जी पहरा पर लग गए, सिंधु धारा रुक गई बाबूजी, और मंदिर का निर्माण हो ही गया। जब मंदिर का निर्माण हो गया तो श्याम सुभद्रा बलदाऊ की मूर्ति तैयार करने के लिए विश्वकर्मा महाराज जी आए कि अपने पावन कर कमलों से मूर्ति का निर्माण करें बाबू जी। विश्वकर्मा महाराज आए भोलेनाथ से, बोले हम मंदिर मूर्ति तो बनावे चलते हैं मंदिर में, लेकिन एक शर्त है भोलेनाथ। भोलेनाथ कहें बोला महाराज का शर्त बा? विश्वकर्मा बाबा बोले यह शर्त बा, जब तक हम मूर्ति तैयार करी दरवाजा अंदर से हम सिटकिनी बंद कही दे थो और चल के हम मूर्ति तैयार कर थी, हमके डिस्टर्ब मत के बहरे से सिटकिनी खटखटाया ना, जब तक हम निकली ना, जब तक निकली ना तब तक आके बाधा मत बना ना, लेट देखा आई के कहा का करता। जब हमार मूर्ति तैयार हुई तब हम बाहर निकलब, तब तक आप ड्यूटी दे बाहर खड़ा हो के। भगवान भोलेनाथ कहे कि ये वो मस्त ऐसा ही होगा, विश्वकर्मा जी आप जाइए मूर्ति को तैयार कीजिए, हम बाहर खड़े हैं। भगवान भोलेनाथ बाहर खड़े हैं, विश्वकर्मा महाराज अंदर हो गए मंदिर के, अंदर से सिटकिनी मार दिए बाबू जी। कहना है अरे बीतल समय शिव जी गए अकुलाई, सारी बात को समझाए हैं भगवान भोलेनाथ को, लेकिन जब काफी समय बीत गया भगवान भोलेनाथ सोचे लगे कि बाप रे बाप, विश्वकर्मा महाराज अंदर वही कहा करते हैं, हमके बहरवा खड़ा कह के बोले हैं दरवाजा खटखटो बउन के, कितना इंतजार करी हम, अब हमके भाई बर्दाश्त नहीं होत बा। भगवान भोलेनाथ के ही बदे अड़बंगी देवता कहा जात, कयू नाम बा उनकर, धन है कैलाशपति, देव में महादेव कहलाए बाबू जी। जाकर के दिहल सिकड़िया बजाई, अरे विश्वकर्मा उठ के, विश्वकर्मा उठ के तब चले तही छनवा सुघर भई। भगवान भोलेनाथ जाके दरवाजा खटखटा दिए, और जब दरवाजा खटक ही गया तो विश्वकर्मा महाराज कहने इतना हम रोके रहे भोलेनाथ को कि जब तक हम दरवाजा खोलब तो अपनी इच्छा से खोलब, दरवाजा खटखटाया मत। लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं माने, आखिर काम आखिरकार बाबूजी काम अधूरा ही रह गया। श्याम सुभद्रा बलदाऊ तीनों की मूर्ति तैयार हो गई, लेकिन बाबूजी बांह विहीन, बांह नहीं है तीनों मूर्तियों में बाबूजी। श्याम सुभद्रा बलदाऊ तीनों मूर्तियों में आज प्रमाण, लोग जाते हैं बाबूजी जगन्नाथपुरी में, तीनों मूर्ति में बाबूजी हाथ नहीं है, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ जाके दरवाजा खटखटा दिए बिना तीनों हाथ बनाए उठ के खड़ा हो गए। कहनी है इतना हम का बताई, बनोई दे होता तब ही दरवाजा खटखटाए होता। कहना है अगली लाइन, श्याम बलराम संग सुभद्रा बहिनिया,
देखें आप बड़े भैया श्रीमान राजपत यादव जी सिमरी खानपुर के भूमि से 101 रुपया का पावन पुरस्कार प्राप्त हुआ। बड़े भैया के प्रणाम बा, नमन वंदन हो, सब भैया लोगों के पांव छू के प्रणाम है, आशीर्वाद की चाह है बाबू जी। जा करके लोग वहां करें दर्शनवा, श्याम सुभद्रा बलदाऊ जगन्नाथपुरी में तीनों मूर्ति विराजमान हैं बाबूजी, बांह विहीन हैं लेकिन तीनों मूर्ति बाबूजी, एक गीत का प्रमाण है, जगन्नाथपुरी की रचना हुई बाबूजी। आज भक्त लोग जाते हैं दर्शन दीदार करके आते हैं, कहना है अरे उर मेले भक्ति, अरे उर मेले भक्ति के श्रद्धालु जाते, आप बड़े भाई श्रीमान रवि यादव जी फड़कपुर के पावन भूमि से 101 रुपया का पुरस्कार, उत्साह वर्धन किए समाज में भैया, बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम पहुंचे। वाह भैया दोनों जने एकदम नवा राशि साथन भेटाएंगे, आप हमारे प्रिय बड़े ही शुभचिंतक भतीजे रवि यादव पूरनपुर शंकरपुर, 101 रुपया का प्यार भरा पुरस्कार, बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए, हृदय से शुभ आशीर्वाद हो, आपके माता पिता के प्रणाम पहुंचे हमार, नमन वंदन है, सभी लोगों के नमस्कार। भातपुरी जी का संगवा मिलाते, वही जगन्नाथपुर से बाबूजी भक्त लोग जाते हैं, भात लेकर आते हैं, जिसका जो भंडारे में शामिल होता है बाबूजी और बिरादरी का भोज होता है, लवटी भंडारे का, लवटी भंडारे का कर आयोजनवा, सुघर भई ले बाबूपुरी के रचनवा, श्रीमान गणपत यादव चार पारा के भूमि से 51 रुपया के पुरस्कार, भैया के नमस्कार, मालिक घर परिवार खुशहाल रखे, आपके सब भैया लोगन के प्रणाम बाब, लवटी भंडारे का करें आयोजनवा, सुघर भैले बाबू पुरी के रचनवा, ये जगन्नाथपुरी की रचना की बयान आप सबके बीच में। बड़े भाई श्रीमान आशीष यादव रामगढ़ के भूमि से 101 रुपया का उत्साह वर्धन किए, भैया को प्रणाम नमस्कार पहुंचे, सब बाबू हरण के प्रणाम बा, जय जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, बिहारी गणेश गुरु रामदेव ज्ञानिया, सम्मानित आप श्रीमान राम सुरोमण यादव जी बिलाही रउजवा के भूमि से 101 रुपया का बहुत बहुत पावन पुरस्कार प्राप्त हुआ, भैया को प्रणाम नमस्कार बा, सौ सौ प्रणाम पहुंचे, सबके प्रणाम बा हमार।
बिहारी गणेश गुरु रामदेव ज्ञानी राम लाल चंद्र क्यों के अमर निशानी।